हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम FRP के बारे में बात करेंगे। मॉडल है J5 है। तो दोस्तों, इसे हम तीन स्टेप में तकसीम किए हैं, बांटे हैं। स्टेप वन होगा कि जो है जिसमें अब आपको चेक कराएंगे कि प्रॉब्लम क्या है असल में, और स्टेप टू होगा जिसमें हम आपको बताएंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है, और स्टेप थ्री में हम आपको बताएंगे कि ये प्रॉब्लम आए नहीं, उसका तरीक़ेकार क्या है, उस पर कैसे अमल किया जाए। तो स्टेप वन ये चल रहा है दोस्तों, हम आपको चेक करवा रहे हैं कि देखिए इसमें गूगल लॉक लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। तो इसे हम आगे की तरफ ले चलते हैं और टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक किया, चेकिंग कर रहा है और सॉफ्टवेयर अपडेट पर, और ये लेकर गया। उसके बाद आप जो है प्ले स्टोर का जो है अपडेट हो रहा है, चेकिंग इन्फो यानी आपका जो गूगल अकाउंट है वो चेक किया जा रहा है कि असल में ये होता क्या है। बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं, और जब मोबाइल वगैरह लेते हैं तो उस वक्त कोई जानकार लड़के को दे देते हैं और वो गूगल आईडी और पासवर्ड बना देता है, और फिर बाद में जब दिक्कत आती है तो ये परेशान हो जाते हैं, जब फॉर्मेट होता है, हैंग करता है या सॉफ्टवेयर वगैरह डलता है। तो दोस्तों, आपने देखा, अब आइए अब स्टेप टू, इसका सोल्यूशन क्या है, हम इसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप मोबाइल को ऑन कर लें। ऑन करने के बाद दो उंगली, ये देखें दोस्तों, दो उंगली आप स्क्रीन पर रखें। स्क्रीन पर रखने के बाद उस वक्त तक रखे रहें जब तक कि इसके अंदर जो है कोई ऑप्शन नहीं आ जाता है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ऑप्शन आएगा, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा बड़े आसानी से। इसके अंदर एक्सेसिबिलिटी देखिए ऑन हो गया है, आ गया। अब इसे आप एग्ज़िट कर दें। एग्ज़िट करने के बाद आपके सामने फिर वही इंटरफेस आएगा, मगर आपको यल बनाना है, सिर्फ सादे स्क्रीन पर आपको यल बनाना है। उसके बाद आपको सेटिंग्स में चले जाना है। अच्छा, अभी तक आप दो क्लिक करते थे, तीन क्लिक करते थे तब जाकर आप ऑप्शन वगैरह पर जो है खुलता था, ओपन होता था, लेकिन अब आप टेल के बैग को हटा दें। इस हटाएंगे कैसे, वॉल्यूम अप और डाउन एक साथ दबाएँ। दबाने के बाद ये इंटर जो है पॉपअप खुलेगा या मैसेज आएगा। अब इस मैसेज को आप ओके कर दें, एक मरतबा दबाएँ और फिर दो मरतबा दबाइए, ओके हो गया। अब सिंगल क्लिक पे आ गया, सिंगल क्लिक पे आ गया। तो स्क्रॉल डाउन करते हुए आप नीचे की तरफ आएँ, जो लिखा हुआ टर्म्स ऑफ सर्विस, अच्छा उस पर क्लिक करें, ब्राउज़र पर चले जाएं, ओपन विथ के ब्राउज़र पर चले जाएं। एक बार ध्यान रखें, क्रोम में ना जाएं, बल्कि ब्राउज़र जो इसके अंदर इंटरनल आता है उसके अंदर जाएं आप, जो कंपनी का होता है। अच्छा, आप उसके अंदर अब आप इंटरनेट को इसमें ऑलरेडी ज्वाइंट कर चुके हैं जो है वाईफाई के द्वारा शुरू में, तो आप ब्राउज़र के अंदर लिखेंगे गूगल अकाउंट मैनेजर, GOOGLE गूगल, ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ और आप देखिए इसे, गूगल अकाउंट मैनेजर। अच्छा, मोबाइलों के अंदर वर्ज़न होता है एंड्रॉयड वर्ज़न, तो जो भी वर्ज़न है आप पहले उसको सर्च कर लें या जानते हो तो उसे भी डालें इसके अंदर। गूगल अकाउंट मैनेजर कौन सा वर्ज़न, एंड्रॉयड वर्ज़न 5.1 है कि या 6.0 है, 6.1 है, 7.0 है, 8.1 है, या जो है 10 point है, ये कौन सा है, ये आप जिसे मैं ये डाल रहा हूँ 5.1 APK यानी अप्लीकेशन। अब ये मैं सर्च किया, सर्च करने के बाद देखिए पहले ही जो है वेबसाइट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, पहले ही वेबसाइट पे हमने ये क्लिक किया है और ये ओपन होगा। असल में ये काम क्या करता है, ये हमारे ईमेल आईडी को जो पहले से डला हुआ होता है उसे हिडन कर देता है, उसे रोक लेता है। गूगल अकाउंट मैनेजर 5.1 एंड्रॉयड वर्ज़न, ठीक है ना। अब आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएँ, डाउनलोड का ऑप्शन ये रहा, इस पर क्लिक कर दें। अब ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, अभी आपके सामने आएगा कि स्टार्ट हो चुका है ये डाउनलोडिंग। बिल्कुल ईजी है दोस्तों, एक दो ही एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, स्टार्टिंग डाउनलोड, तो ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है। अच्छा, ये डाउनलोड हो रहा है जब तक कि हम फिर पीछे चलते हैं यानी बैक चलते हैं। आप हिस्ट्री में जाएंगे, बुकमार्क में जाएंगे, डाउनलोडिंग हिस्ट्री,
आप देखेंगे तो उसके अंदर ये देखिए डाउनलोड हो रहा है। लेकिन अभी हम इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे, बल्कि एक और एप्लीकेशन हम पहले और डाउनलोड कर लेते हैं, जिसका नाम है क्विक शॉर्टकट। अब उसी ब्राउज़र में हम लिखेंगे क्विक शॉर्टकट, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे, बल्कि मैं अपेक्स जा रहा था डाउनलोड करने, लेकिन फिर क्विक शॉर्टकट मैंने पहले बोल दिया, तो फिर मैं क्विक शॉर्टकट ही डाउनलोड करूँगा। और ये रहा क्विक शॉर्टकट। अब ऊपर वाले सबसे जो इंस्टॉल लिखा है उस पर क्लिक ना करें, बल्कि उससे नीचे वाली जो वेबसाइट दिखाई दे रही है उस वेबसाइट से आप उस पर क्लिक करें। ये अप टू डाउनलोड की वेबसाइट है और लेटेस्ट वर्जन भी प्रोवाइड करते हैं, काफ़ी बढ़िया। तो आप उस पर लेटेस्ट वर्जन पर क्लिक करेंगे तो नीचे आप देखेंगे कि लेटेस्ट वर्जन ये लिखा हुआ है। अच्छा, अब ग्रीन कलर का एक डाउनलोड का आइकॉन होगा, आप उस पर क्लिक करें। ग्रीन कलर के इस आइकॉन पर क्लिक करने के बाद ये भी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और बस ये दो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लें और इसे इंस्टॉल करना होगा, आपका FRP अनलॉक हो जाएगा। आप कोई भी गूगल अकाउंट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब ये देखिए, हमने दोनों को डाउनलोड कर लिया, लेकिन सबसे पहले हम अगर इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने ये गूगल अकाउंट मैनेजर को ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि पहले क्विक शॉर्टकट इंस्टॉल नहीं करना है। और ये ऑथराइज कर रहे हैं हम ताकि इंस्टॉल कर लें, और इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ गया है और इंस्टॉल ये जो है परमिशन मांग रहा है और इंस्टॉलिंग ये शुरू हो गया। सबसे पहले आपको गूगल अकाउंट मैनेजर ही इंस्टॉल करना होगा। अगर ये इंस्टॉल हो गया नहीं हो रहा है तो आप समझ जाइएगा कि कोई दूसरा एंड्रॉयड वर्जन है हमारा। अब आप क्विक शॉर्टकट को इंस्टॉल करें। अच्छा, उस पर आपको ओपन का ऑप्शन नहीं दिया था, ओनली डन दिया था, लेकिन इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन भी देगा और डन भी देगा, यानी दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएगा। दोस्तों ये देखिए ओपन का ऑप्शन आ गया, अब इसे ओपन कर लीजिए। वेरी सिंपल, कुछ नहीं, दो एप्लीकेशन और बस गूगल अकाउंट मैनेजर के अंदर आपको जाना है। क्विक शॉर्टकट में ऊपर लिख भी सकते हैं गूगल अकाउंट मैनेजर, और नीचे जिस तरह मैं कर रहा हूँ ये स्क्रॉल डाउन करते हुए आप नीचे भी आ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, गूगल अकाउंट मैनेजर हो गया। अब इसके अंदर आपको देखना होगा कि गूगल अकाउंट मैनेजर लिखा हुआ, उसके नीचे जो है ईमेल एंड ट्राई लिखा हुआ होगा, ईमेल आईडी। अब ट्राई पे क्लिक करना है और जो ऊपर .3 दिख रहा है, 3 ये मैंने हाईलाइट कर दिया, इस पर आपको क्लिक करना है और साइन इन करना है। दोस्तों बस इतना सा काम है, इससे आगे कोई काम अब नहीं है, बस आपको साइन इन कर देना है। अब ये आपको साइन इन पे लेके जाएगा। आप कोई भी जीमेल आप डाल दीजिए, दुनिया का जो भी आपके पास जीमेल मौजूद है आप उसके अंदर आप जीमेल वही डाल दीजिए। अच्छा, अगर मौजूद नहीं है, किसी के पास कोई अकाउंट नहीं है, तो नीचे दोस्तों क्रिएट का भी ऑप्शन है, क्रिएट कर सकते हैं आप, नया ईमेल आईडी उसके अंदर बना भी सकते हैं। चूँकि मेरे पास था ईमेल, तो मैं ईमेल अपना डाल देता हूँ, एक नॉर्मली ईमेल हमने बना के रखा है इसी तरह इसी के लिए, तो ईमेल आईडी वो मैंने डाल दिया और ये मैंने पासवर्ड भी डाल दिया और इसे साइन इन कर दिया। अब ये साइन इन होगा तो ये ऑटोमेटिक कट जाएगा, ये देखिए दोस्तों कट गया। बस सिंपली आपको रिस्टार्ट कर देना है मोबाइल और कुछ भी नहीं करना है। ये हो गया प्रॉब्लम का सलूशन। अच्छा, प्रॉब्लम आए नहीं, इसके लिए क्या करें, अब आइए स्टेप 3 की तरफ। जब भी आप मोबाइल नया लें या किसी से सेकंड हैंड लें, तो सबसे पहले अगर कोई चीज़ ज़रूरी है तो वो ईमेल आईडी और पासवर्ड, ये दोनों चीज़ आप लिख करके रख लें। दोस्तों ईमेल आईडी और पासवर्ड जो पहले डलता है वो इतना ज़रूरी होता है। आप अभी तो ये J5, J6, J7 ये आप तो विदाउट PC वगैरह भी आप इसे कर सकते हैं, FRP रिमूव, यानी गूगल अकाउंट मैनेजर को रिमूव कर सकते हैं, उसे हटा सकते हैं। लेकिन आप जब ऊंचे मॉडलों में चले जाएंगे, सैमसंग के हो या और कोई मॉडल हो, आप ऊंचे मॉडलों के अंदर जब जाएंगे, तो जैसे ओप्पो A53 है, अगर उसका पैटर्न भूल गए आप तो तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपये लगेंगे दोस्तों,
3 से 4 हज़ार रुपये लगेंगे, उसको तोड़वाने के, सिर्फ पैटर्न तोड़ने के 3-4 हज़ार रुपये लग जाएंगे। तो इस चीज़ का आप लोग खासा ख्याल रखें, इस चीज़ का कि जब भी आप लोग मोबाइल लें तो ईमेल आईडी, चूँकि फौरी तौर पर आप जो है प्ले स्टोर चालू करना रहता है और प्ले स्टोर से हम एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, व्हाट्सएप, फेसबुक, आईमो, ये सारी चीज़ें हम वहीं से डाउनलोड करेंगे। तो दोस्तों जो है इसके लिए ज़रूरी यही है कि आप ईमेल आईडी जो भी किसी से बनवाएं उसके लिखवा लें, यानी यूज़र नेम और पासवर्ड gmail.com करके होता है और पासवर्ड जो चूज़ करके बनाया जाता है। अब ये मोबाइल रिस्टार्ट हो चुका है और इसे चेक कर रहे हैं हम। ये देखिए दोस्तों, नेक्स्ट किए तो ये अकाउंट एडेड बता दिया, यानी कि अकाउंट एड हो चुका है। अब इसे हम पूरा खोल करके भी आपको दिखा देते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसके मोर 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 करते जाएं, नेक्स्ट पर क्लिक करें, उसके बाद फिर ऑप्शन देगा आपको सैमसंग के कुछ ऐप्स का, स्किप कर दें, स्किप एनीवे कर दें इसे और फिनिश कर दें। ये आपका मोबाइल ओपन हो चुका है, ये देखिए दोस्तों पूरी तरह ये ओपन हो चुका है। तो अगर G5 मोबाइल आपके पास भी है और गूगल अकाउंट लगा हुआ है, FRP लगा हुआ है, तो आप इस तरह से उसे रिमूव कर सकते हैं। लेकिन बेटर होगा, बेहतर होगा, जो भी आप ईमेल आईडी बनवाएं या बनाएं उसे आप लिख करके रख लें, कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।